आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। पाकिस्तान ने सोमवार को पहली बार सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइल बाबर 3 का टेस्ट किया है। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने इस कामयाबी पर मिसाइल बनाने वाली टीम को बधाई दी है। यूपी के चुनावी दंगल में समाजवादी पार्टी का झगड़ा छाया हुआ है। अब तक पिता पुत्र की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सोमवार को दोनों खेमे चुनाव आयोग पहुंचे और पार्टी पर अपना अपना दावा किया। सबसे पहले मुलायम सिंह, शिवपाल यादव और अमर सिंह चुनाव आयोग गए। उसके बाद एक घंटे बाद अखिलेश खेमे के रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल चुनाव आयोग पहुंचे। पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं करने को लेकर जारी खबरों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया है कि 13 जनवरी के बाद भी लोग आसानी से पेट्रोल पंपों पर अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और बैंकों के बीच मतभेद है, उसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि बिहार के ही कुछ काबिल लोग राज्य की छवि खराब करने में लगे हैं। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पंजाब की जनता के लिए कई लुभावने वादे किए गए। इन वादों में नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति बनाने और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के पास गिफ्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सेवा और लेन देन की गुणवत्ता के नए मानक स्थापित करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रवासी भारतीयों का आह्वान किया है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए विदेशों में रहने वाले 30 भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली बढ़ी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी। मिस्र में आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जर्मनी की ग्रीन पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि अपंग और गंभीर रूप से बीमार लोग अगर पैसे देकर सेक्स करते हैं तो उन्हें यह पैसा सरकार से वापस लेने का हक मिलना चाहिए। लातिन अमरीकी देश पेरू आर्थिक तरक्की की नाजीर पेश कर रहा है। पिछले एक दशक में पेरू ने अपनी गरीबी दर को 50% से कम कर दिया है। इस तरक्की ने वहां की 50 से 22% जनसंख्या के जीवन को प्रभावित किया है। पेरू में पिछले 5 वर्षों में 70 लाख लोगों की गरीबी खत्म हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी है कि वो व्हाइट हाउस को किसी पारिवारिक व्यवसाय की तरह चलाने की कोशिश न करें। हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर बरसी। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान हासिल करने के बाद स्ट्रिप ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा, उनका व्यवहार धौंस जमाने वाला है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसजानी का निधन हो गया। वो 82 साल के थे। खबरों के मुताबिक उनकी मौत राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से हुई। आमिर खान की फिल्म दंगल बॉलीवुड में कमाई के मामले में अव्वल फिल्म बन गई है। तमाम फिल्म व्यापार विश्लेषकों के मुताबिक दुनिया भर में इस फिल्म की कमाई 670 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाली है। अभी तक दंगल ने भारतीय बाजार में करीब 345 करोड़ रुपए कमाए हैं और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।